सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। सर आज मैं आया हुआ 35वें सूरज कुंड मेले में, जो कि फरीदाबाद में लगा हुआ है। बात करते हैं जगह की लोकेशन की, तो सूरज कुंड रोड लेकवुड सिटी इसकी पूरी लोकेशन है। बाकी स्क्रीन पर आपको पूरी लोकेशन दिखी रही होगी। बात करते हैं टिकट प्राइस की, तो ₹120 टिकट है वीकडेज के लिए, और वीकेंड्स के लिए ₹180 टिकट है। ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, लिंक जो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया पेटीएम इनसाइडर का, आप वहाँ से डायरेक्ट टिकट बुक कर सकते हो। बात करते हैं भाई कैसे पहुँच सकते हो। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है भाई इसका बड़कल मोड़ है, जो कि वॉलेट लाइन पर है। बाकी गूगल मैप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया, वहाँ से चेक कर लेना भाई कितनी कितनी दूरी है अपने अपने घर से। तो चलो यार अंदर देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। इस बार की जो थीम स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है यार, एंड जो पार्टनर कंट्री है वो उज्बेकिस्तान है। 1100 से प्लस स्टॉल लगे हैं इस बार के। ये कल 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगा हुआ है। 19 मार्च में आज 20 मार्च है, आज आया हुआ, कल फर्स्ट डे था जिन्होंने चीफ मिनिस्टर सर हैं जो मैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, एंड गवर्नर भी आए थे, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स आए थे कल फर्स्ट डे। यार कुछ ज़्यादा स्टॉल वगैरह नहीं थी, मतलब अच्छे से ओपन नहीं होता, तो इसलिए मैं फर्स्ट डे नहीं गया। बट ठीक है चलो आज सेकेंड डे है, देखते हैं क्या कुछ अंदर होने वाला है, और लास्ट में वीडियो कंक्लूजन दूंगा ही मैं। तो आप भी पूरी वीडियो देखना, फिर कंक्लूजन दूंगा वीडियो का, देन डिसाइड करना आपको जाना है या नहीं। तो चलो भाई बैठ जाओ मस्त फ्री होके वीडियो को एंजॉय करने के लिए, तो फिर चलना यार। ये है भाई सामने हमारा टिकट काउंटर सूरज कुंड मेले का। ऑफलाइन टिकट बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली दिया है। ये सारे रेट्स हैं भाई सूरज कुंड मेले के। तो भाई हमने गेट नंबर 3 से भी एंट्री की थी, सामने से एंट्री हो चुकी है, टिकट वेरीफाई होगी। तो चलो यार अंदर शुरू करते हैं क्या कुछ इस मेले में, स्टॉल्स वगैरह सब कुछ बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो कंक्लूजन जरूर दूंगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। ये देखो भाई क्रिएटिविटी, ये पेन है जो कि पूरा हैंडमेड है, ये कागज़ से बना हुआ है पूरा, ₹15 का एक पेन। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हो तो ज़रूर ट्राई करें भाई, मतलब सच में मस्त लग रहा है। 1021 स्टॉल नंबर है यार, तो एक बार आप अगर यहाँ पे आते हो तो ज़रूर ट्राई करें इस स्टॉल पे ये पेन देख के, और परचेज भी करें। 1021 स्टॉल नंबर है। ये है भाई सामने पूरा लेआउट सूरज कुंड मेले का इस साल का। बाकी यार कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको सूरज कुंड मेले से रिलेटेड, लाइक कौन कौन से इवेंट किस दिन है, वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। ये भाई सामने कुछ नाच कुदक का टाइप हो रहा है, तो चलो इसको एंजॉय करते हैं। We'll be right back.
भाई ने तो मज़े ही बैठा दिए भाई डांस में, मज़ा ही आ गया देख के। तो चलो यार बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस को एंजॉय करने। क्राउड तो यार आज काफ़ी अच्छा खासा है क्योंकि वीकेंड भी है तो काफ़ी अच्छा खासा क्राउड भी है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉल लगे हुए हैं, सेकेंड डे आज तो सारे स्टॉल बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं। हर स्टॉल पे वही एक नंबर मेंशन है और स्टेट, अगर कोई ऐसा स्टेट है या कोई पर्टिकुलर कंट्री है तो वो भी मैंशन है। बाकी कल्चरल परफॉर्मेंस वगैरह वो पूरे दिन चलते रहते हैं। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 12:30 बजे से ओपन है और रात के 9:30 बजे तक है ये सूरजकुंड मेला। ये भाई सामने जलेबा, जलेबी तो यार बहुत बार सुना है जलेबा, लेकिन फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ जलेबा। ये है भाई हमारे पूरे सूरजकुंड मेले का स्केड्यूल कि भाई इस दिन ये इवेंट होने वाला है, चाहे कल्चरल इवेंट हुआ चाहे डांस इवेंट हुआ। तो अपने डे के अकॉर्डिंग आप देख लेना किसके अकॉर्डिंग आना है, कौन से इवेंट के अकॉर्डिंग, ये पूरा स्केड्यूल है सूरजकुंड मेले का। यार यहाँ पर कई टेंपल्स के रेप्लिकास भी बनाए गए हैं, जैसे लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश थीम स्टेट था तो हिमाचल प्रदेश के जो टेंपल्स थे लाइक फेमस उनके रेप्लिकास हैं। इस साल जम्मू कश्मीर यहाँ का थीम स्टेट है तो उस हिसाब से जो टेंपल लाइक अमरनाथ टेंपल हो गया एंड काफ़ी सारे टेम्पल्स के यहाँ पर रेप्लिकास बनाए गए हैं। जैसे यार देखो ये भीमकाली टेंपल, देखो हिमाचल प्रदेश 2020 मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर तो खैर लगा ही नहीं था, 2020 में हिमाचल प्रदेश थीम स्टेट था
तो हिमाचल प्रदेश के जो फेमस फेमस टेम्पल्स थे उनके रेप्लिकास थे। इस साल जम्मू कश्मीर थीम स्टेट है तो उस हिसाब से उनके रेप्लिकास उन टेम्पल्स के। इस साल यार 35वें सूरज कुंड मेले में हमारा जो उज्बेकिस्तान है वो पार्टनर कंट्री है, तो चलो यार पहले उज्बेकिस्तान में अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ चीज़ें मिल रही है अंदर। तो भैया मेरे होने लग गए हैं पैर दर्द, क्योंकि धूप बहुत गंदी वाली लग रही है, चुभने वाली, गर्मी के हारे बुरा हाल हुआ पड़ा है और थकावट होनी चालू हो गई बढ़िया वाली। तो चलो यार जल्दी से कवर करते हैं छोटी मोटी जो जगह बची है थोड़ी बहुत, क्योंकि पूरा तो भाई नहीं घूम पाएंगे और वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आपको भी बोरिंग बोरिंग लगने लग जाएगा। तो चलो यार थोड़ा बहुत कवर करते हैं उसको जो बच रहा है हल्का फुल्का, और फिर सीधा आपको मिलूंगा वीडियो के कंक्लूजन की ओर। तो चलो यार जल्दी से कवर करके आते हैं छोटी मोटी चीज़ें। तो भाई ऑलमोस्ट हमारा सूरज कुंड वाला कंप्लीट हो चुका है, सारा तो यार कवर नहीं कर सकते, जो मेन मेन पार्ट था वो कवर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ये भाई पूरा फूड कोर्ट है, मैं गेट नंबर 3 से एंट्री की थी वहीं से एग्जिट कर रहा हूँ, तो ये पूरा फूड कोर्ट है भाई, सारे स्टेट्स का खाना पीना आपको यहाँ मिल जाएगा, पूरा खाने के शौकीन वाले मज़े ही आ जाएगा उनके लिए, पूरा फूड कोर्ट ही है। जब एग्जिट करोगे एंट्री करोगे जब चाहे जब खा पी लेना भाई, ये पूरा फूड कोर्ट है। फटाफट से चलो यार एग्जिट करते हैं और वीडियो के कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। सर अब बात आती है वीडियो के कंक्लूजन की, तो ऑनेस्टी टेलिंग मेरे को ऐसी जगह पसंद नहीं आती, लाइक मेरे को एडवेंचर थ्रिल इन चीज़ों की ज़्यादा रहता है घूमने के लिए, ऐसी जगह मेरे को पसंद नहीं आती क्योंकि यार तो गर्मी इतनी पड़ रही है तो पागल हो जाते हैं ऐसे एरिया में घूमते घूमते, पूरा घूम भी नहीं पाते यार, और जो 100 रुपये की चीज़ है वो 500 रुपये की मिलती है, तो मेरे को पर्सनली ऐसी जगह पसंद नहीं आती ऑलरेडी। बट हाँ जिनको रहता है भाई थोड़ा क्राफ्ट वगैरह का वो आप आ सकते हैं, उनके लिए हेवन वाली बात होती है, बट मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है जगह ये, तो ठीक है। बट आप लोगों के लिए वीडियो बना लीजिए, तो मैं आ गया सूरज कुंड मेले में। मेरा कंक्लूजन भाई मेरे वही वाली बात है कि मेरे को थोड़ा एडवेंचर वगैरह पसंद है, तो मेरे को ऐसी जगह पसंद नहीं आती, बाकी अपने अपने ऊपर है भाई, देख लेना जिनको थोड़ा है क्राफ्ट वगैरह को देख लेना। 180 रुपये टिकट है वीकेंड्स के लिए और 120 रुपये टिकट है वीकडेज के लिए। तो भाई ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन या एक्सपीरियंस, अब देख लेना भाई किसको क्या चीज़ें पसंद है उस हिसाब से। तो भाई चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अमेजिंग से ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ठोक के, और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही बढ़िया से ब्लॉग्स के लिए। तो चलो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग से ब्लॉग में, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।